खबर, सालाना महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। एक साल में महंगाई दर 9 गुना बढ़ी है। आप देखिए लगातार महंगाई दर किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2020 में 1.32% बढ़ी थी, लेकिन अब महंगाई दर लगातार बेतहाशा बढ़ रही है। अमिताभ सिन्हा की खबर है, तेल के दाम बढ़ने से महंगाई दर बढ़ी है। एक साल का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से महंगाई दर बढ़ी है। सालाना महंगाई दर जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, 9 गुना बढ़ी है एक साल में। ये महंगाई दर 2020 में महंगाई दर 1.32% थी, और ऐसे में अब सितंबर 2021 में महंगाई दर 10.66% हो चुकी है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के हवाले से यह खबर है। लगातार किसानों पर, आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, चारों तरफ से अगर देखें तो हर लिहाज से आम नागरिक ही पिसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दो चीजें साफ है। पिछले साल कोरोना का समय था, बाजार बंद थे, अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चौपट थी। उस समय इन्फ्लेशन का रेट 1.32% आया था, उसके मुकाबले 10.66 का इस बार दशहरे के महीने में इन्फ्लेशन रेट सरकार ने दिया है, जो हर महीने सरकार जो आंकड़े जारी करती है 14 तारीख को। तो उसमें ये साफ साफ सरकार ने कहा है कि ये इसलिए महंगाई बढ़ी है क्योंकि मिनरल ऑयल की कीमतें बढ़ी, बेसिक मेटल्स की कीमतें बढ़ी है, नॉन फूड आर्टिकल की कीमतें बढ़ी हैं, फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी कीमतें बढ़ी हैं। इन सब के कारण एक जो मल्टीपल इफेक्ट होता है, उसके कारण ये रोजमर्रा की चीजें जो खाने पीने की, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस पर सरकार जल्दी से जल्दी काबू पा लेगी। हालांकि सरकार ने जो ये ईयर टू ईयर का जो असेसमेंट है उसके में ये 9% की वृद्धि दिखाई है, लेकिन जो हर महीने का जो इन्फ्लेशन रेट सरकार जारी करती है मंथ ओवर मंथ, उसमें बहुत ज्यादा की वृद्धि ये नहीं दिखा रही है, क्योंकि इससे एक महीने पहले और ज्यादा था, उसके पहले और ज्यादा, थोड़ा कम की ओर ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया अमिताभ सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और राजस्थान के किसान रबी की फसल की तैयारियों में हैं, लेकिन इस वक्त वहां खाद का संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। खाद के लिए किसान घंटों कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के टोंक में खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। घंटों खड़े रहने के बाद भी DAP खाद नहीं मिलने की वजह से किसान हंगामा कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि खाद वितरण केंद्रों के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। किसानों को आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी वजह से उसकी किल्लत हो गई है। भरतपुर से भी खाद की कमी से हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। वहां एक मंडी में खाद लेने पहुंचे किसान घंटों तक कतार में खड़े होते हुए नजर आए, लेकिन काफी देर तक खाद नहीं मिलने के बाद किसानों में आपस में ही झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक पहुंच गई। राजस्थान में आज किसानों को DAP खाद नहीं मिल पा रहा है। भवानी का हम रुख कर लेते हैं। भवानी, क्या कुछ वजह है कि इतना ज्यादा संकट गहराता हुआ खाद को लेकर दिखाई दे रहा है? देखिए, संकट की असली वजह है मांग और आपूर्ति में अंतर। राजस्थान के अंदर 4.5 लाख मीट्रिक टन DAP खाद की जरूरत है, लेकिन जो सरकार के पास उपलब्ध हुआ है, जो राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से उन्हें मिला, वो 3 लाख मीट्रिक टन। तो 1.5 लाख मीट्रिक टन का गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। और ख़ास तौर पर ये इसलिए इस वक्त खास मायने रखता है कि रबी की बुआई हो रही है। सरसों, राजस्थान देश में सबसे बड़ा सरसों उत्पादक एरिया है, और अब इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त DAP की ज़रूरत है। अब इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान सरकार ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इम्पोर्ट करके खाद की सप्लाई करें, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इस बीच में पूरे राजस्थान में आज की सूचना ये है कि कहीं पर भी DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट उपलब्ध नहीं है। और राजस्थान के कृषि मंत्री है, उन्होंने किसानों को ये सलाह दी कि वो वैकल्पिक तरीका अपनाएं, यानी कि दो तीन होने की वजह से लगातार खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। शुक्रिया भवानी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कई राज्यों में खाद की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक राज्यों को उनकी मांग के आधार पर खाद की पूरी सप्लाई की जा रही है। यही नहीं, किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से खाद पर लगातार सब्सिडी भी दी जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्यों में एक जिले से दूसरे जिले में खाद की सप्लाई में कभी कभी किन्हीं वजहों से देर हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।